स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। तो एक महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर एक बार फिर से अपने मन की बात की। इस बार पीएम के मन की बात में कालाधन का जो मुद्दा है वो मुख्य रूप से नजर आया। पीएम ने लोगों को भरोसा दिया कि कालाधन वो हर हाल में देश में वापस लेकर आएंगे। तो देश के लोगों से मन की बात के दौरान मोदी ने काले धन पर सरकार के सख्त रुख का ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि वो हर कीमत पर काला धन वापस लाकर ही रहेंगे। उन्होंने लोगों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार रेडियो पर मन की बात करने आए तो पूरा देश रेडियो के सामने जुट गया। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, जनता का मन समझने वाले मोदी ने बातचीत में उस मुद्दे का भी जिक्र किया जिस पर लोग मोदी का मन टटोलना चाहते हैं। जो समय समय पर जीवन में उमंग भरते रहते हैं। उन्होंने काले धन पर लोगों के मन का संदेह दूर किया। मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार काला धन वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पर आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए, ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं। देश के लोगों से संवाद के दौरान मोदी ने अपनी सरकार पर उठ रहे सवालों को दरकिनार कर दिया और लोगों से सरकार पर भरोसा करने की अपील की। आपके आशीर्वाद बने रहे। मोदी ने कहा कि हम लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगे। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहे। मैं आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूंगा, यह मैं आपको भरोसा देता हूं। मोदी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान ही काले धन पर SIT का गठन कर अपने इरादों के संकेत दे दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सरकार सवालों में घिर गई थी। जाहिर है मोदी को यह कतई बर्दाश्त नहीं। उन्होंने रेडियो के जरिए देश के बाशिंदों को यह पैगाम दे दिया कि भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर सरकार नरम नहीं रहेगी। गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर जो मन की बात कहने की पहल की है उसका आम जनता में क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जयपुर के लोगों से यही जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही है और इसको सुनने के लिए हर जगह लोग मौजूद रहे और गौर से सुना भी आखिरकार क्या कहा। काले धन से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर नरेंद्र मोदी ने बात कही, इसको सुनने के लिए तमाम लोग मौजूद थे। उनसे जानते हैं क्या मानना है। सर, कितना विश्वास है नरेंद्र मोदी काला धन वापस लाएंगे और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर बात करी है, क्या आप सहमति जताते हैं? देखिए, सहमति तो पूर्ण है। उनके जो वादे इरादे हैं उस पर कोई भी ऐसा किंतु परंतु संशय नहीं उठना चाहिए, जनता को भी नहीं उठना चाहिए। जब अभी तक उन्होंने जो भी घोषणा की है
वो करीब करीब उन्होंने पूरी की है। और रही कालेधन की बात, मैं वापस से पुनः बताऊंगा, उन्होंने कहा मेरे वादों और यादों पर विश्वास रखिए, कालाधन आएगा। क्या उसका जरिया हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, कब, वो मुझे भी नहीं मालूम है और ना यहाँ केंद्र सरकार को मालूम, ना पिछली सरकार को मालूम था। तो काला धन हुआ, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात बोली, काले धन पे बात रही उनके, उन्होंने कहा कि मेरे पर विश्वास रखिए। आप क्या कहते हैं शुरू से आखिरी तक के जो आपने सुना, उस पर कितना आप सहमति जताएंगे? काले धन की जो उन्होंने बात करी है वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सत्य बात करी है कि पिछले सरकार को भी पता था कि बाहर काला धन तो है, लेकिन कैसे लाना है ये पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया केंद्र में, जबकि क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की शर्मिंदगी थी। जिस तरह से अभी आया कि यदि हमने काले नामों की चिट्ठी खोल दी तो कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री वो शर्मिंदा हो जाएंगे, तो यही कारण था। लेकिन उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया कि जिस तरह से काले धन के वेबसाइटी घोषित होने के बाद में नाम चले गए, 627 जनों के जो नाम आए, लिस्ट आया, तो उस तरह से पूरा काला धन, काला धन ही नहीं, सफाई का मुद्दा रहा और देश में तमाम मुद्दे रहे जिस पर बार बार बात करी, दूसरी बार एक बार फिर से मोदी ने बात करी है, आपने पूरा सुना है, आप क्या लगता है, क्या वाकई में बातें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल होंगी और उनके वादे इरादों से सभी तरह से सहमत है, सफाई अभियान हो, बिल्कुल सफाई अभियान से लेके तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर मोदी ने बात करी है। आपने जो शुरू से आखिरी तक जो मोदी के मन की बात थी उसको सुना, उससे क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है कि रेडियो से दूर दराज ग्रामीण तक इनकी आवाज़ जाती है जिसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है। और ये रही बात सेना की, तो आज इस टेम्परेचर -डिग्री पे जाके वहाँ मोदी जी दीपावली के दिन हौसला, मैं 99% विश्वास है कि सब काम पूर्ण होंगे। मोदी ने अपनी मन की बात जरूर कही लेकिन जनता का यही मानना है कि जो भी उनकी बातें थी उस पर कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से विश्वास है कि वाकई में मोदी अपनी बातों पर और अपने वादों पर खरा उतर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। तो एक समय था जब आकाशवाणी पर लोग अमीन सयानी को सुनने के लिए इसी तरीके से इकट्ठा हुआ करते थे, अपने पास एक रेडियो सेट रखा करते थे, चारों ओर लोग बैठा करते थे और गौर से सुनते थे कि गीतमाला में कौन सा गीत नंबर वन आने वाला है। और कुछ इसी तरीके से आज लोगों को इंतजार करते हमने देखा है जो इस बात की आस लगाए बैठे थे कि उनकी बात, उनके मन की बात प्रधानमंत्री के इस भाषण में सम्मिलित की जाती है या नहीं। बहरहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता, साथ ही साथ डॉक्टर एनके गर्ग बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। प्रियंका जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, कांग्रेस की मन की बात शामिल हो पाई या नहीं? नहीं, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने उनकी मन की बात सुनी नहीं है। अच्छा। और मुझे बताया गया था कि डिबेट का जो टॉपिक है ब्लैक मनी पे है, बिल्कुल बिल्कुल बात पे, तो शायद मैं गौर से सुनती उन्होंने क्या कहा है। तो कांग्रेस की मन की बात यही है कि जो वादे उन्होंने ब्लैक मनी जो है उनके मन की बात में शामिल है। एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए। आप अपना सवाल आपने पूछा है, उसका जवाब भी सुन लीजिए। मैं दो तीन चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। कांग्रेस की मन की बात तो बहुत स्पष्ट है, जो जो आपने वायदे किए हैं देश की जनता को उनको पूरा करिए। ब्लैक मनी 150 दिन 100 दिन में आपने लाने की बात की थी, पर आपने एफिडेविट कुछ जाकर अलग फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार चुकी है उस पर। आपने गंगा क्लीनिंग की बात की, सुप्रीम कोर्ट उस पर फटकार चुकी है। आप दिल्ली में इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर फटकार कर चुकी है। तो जो जो वायदे किए हैं पहले उनको पूरा करिए। क्लीन गंगा की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, क्या क्या ऐसे उन्होंने स्टेप्स उठाए आपको ये पहल अच्छी नहीं लगती? स्वच्छ भारत मिशन आपको अच्छा नहीं लगता ये अभियान, या अभी जो कुछ उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी? अगर आप मेरे शब्दों को मरोड़ेंगे हाँ? तो कुछ अचीव होने वाला है नहीं। मैंने अच्छा। कहा अगर स्वच्छ भारत मिशन अनाउंस करते हैं हाँ? और उसकी तरफ कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से अभी फटकार पड़ी है गंगा क्लीनिंग को लेकर, आप 35 लाख 40 लाख एक मीटिंग में फूलों पे खर्च करते हैं क्लीन गंगा की मीटिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। मैं आपको प्रियंका जी आपकी बात याद दिला दूं, काले धन पर हम स्टिक रहेंगे मिशन पे, ना ही उनकी बातों पर। अभी एक मिनट पहले जो आपने बोला था मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने शायद मन की बात सुना नहीं है और इस वजह से आप काले धन पर ही चर्चा के लिए जुड़ी हैं। तो चलिए काले धन पर ही हम बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर एनके गर्ग साहब हैं बीजेपी से। तो आप भी सुन रहे हैं डॉक्टर गर्ग, क्या कुछ कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का, और उम्मीद है कि आपके पास इन तमाम सवालों के लिए सिर्फ एक जवाब नहीं होगा कि 60 साल आपने जो कुछ किया है आपको हक नहीं बनता कि 5 महीने में आप उंगलियां उठाएं। मैं समझता हूं कि मैं
प्रियंका जी की बात, आप तो उनको जवाब भी दे रहे हैं, सवाल के साथ साथ उनको जवाब भी दे रहे हैं, क्या जवाब इनको देना चाहिए? मैंने ये तो मांग मांगने बात, क्या जर्नलिस्ट भी हेल्प कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ताओं को जवाब देने में? मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने 60 साल का मुद्दा उठाया, मैं आपसे पूछूं, इन्होंने बात की, आपने सवाल उठाया, आप इनको जवाब भी दे रहे हैं? डॉक्टर गर्ग एक सेकंड, डॉक्टर गर्ग मैं चाहूंगा आप एक सेकंड शांत हो, मुझे जवाब देने दे। प्रियंका अगर आप सुन रही हैं तो आपको ये समझ आएगा, मैंने कहा है कि आपसे उम्मीद है कि इस जवाब के अलावा आपसे कोई जवाब मिलेगा नहीं। आपने नहीं नहीं आपने सवाल उनसे ये पूछा, इसके अलावा आपसे कुछ जवाब मिलेगा? आपने सवाल उनसे ये पूछा, आपने सवाल ये इनसे पूछा कि आप जवाब दीजिए, और आप इनसे ये भी पूछे 60 सालों में इन्होंने क्या किया, तो आप नहीं प्रियंका आप शायद सुन नहीं रही हैं, बीजेपी प्रवक्ताओं को बताएंगे क्या करना चाहिए, वो अपना जवाब नहीं सुन पा रही हैं। आप उनको उनका माफ करेगा प्रियंका, आप इस तरीके से आपने ये आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि आप शायद बात को ढंग से सुन ही नहीं रही है। मैंने ये कहा कि इस जवाब के अलावा आपसे उम्मीद की जा रही है, और ये मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा क्या मुझे बोलना है क्या नहीं जानना है, आप शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताएं, आपके लिए भी बेहतर होगा। डॉक्टर गर्ग आप अपना जवाब दें। मैं वही करूंगी, पर एज अ एंकर आपका काम है कि सवाल पूछना, ना कि उनको जवाब के जी 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 अक्षय जी। हाँ डॉक्टर गर्ग, पहले दिन से इस देश के प्रधानमंत्री की नीति और नियत के ऊपर 125 करोड़ लोगों ने विश्वास करना प्रारंभ किया है, और उस विश्वास का ही कारण है कि मात्र 2 महीने में 6 करोड़ नए जनधन के अकाउंट खुल जाए, देश के अंदर आदतों में शुमार हो जाए सफाई का, और बड़े से बड़े और छोटे से छोटा व्यक्ति, सफाई कर्मचारी से लेकर और सबसे बड़े लोग जो बौद्धिक रूप में हैं, संपदा के रूप में हैं, वो सब इस अभियान में जुटे हैं। इस देश के अंदर एक जो काहिली आ गई थी, जो ढीलापन आ गया था, इनएफिशिएंसी आ गई थी, हर विषय के ऊपर केवल भगवान भरोसे और सरकार को कोसना प्रारंभ करते थे हम लोग, अब उससे उभर कर आज एक्सपेक्टेशन है, आशा है, विश्वास है, और उसी के कारण जिस सुप्रीम कोर्ट का नाम अभी प्रियंका जी ले रही थी, वही अगले दिन तीनों विषयों पे उन्होंने अपनी पूर्णतया सहमति दिखाई और कामों से संतुष्टि दिखाई। आज हमारी नीति नियत और हमारे ऊपर जो विश्वास है वो हमारी धरोहर है, वो उस पूंजी है, और उस पूंजी के सहारे एक व्यक्ति सवेरे 5 बजे उठ के रात के 2 बजे तक काम करता है। इतने मोबिलिटी, इतनी मेहनत और इतना लोगों का विश्वास कि एक ही दिन में सियाचिन भी जा सकते हैं, उसी दिन बंबई भी जा सकते हैं, दिल्ली में भी कार्यक्रम कर सकते हैं, और इस देश को यूनिफाई करने के लिए। लेकिन डॉक्टर गर्ग हम काले धन पर अभी बात करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि आखिर परेशानी कहां आ रही है, इस चर्चा में आगे हम आपसे यही बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हमारे दर्शकों को हम